पीछे से खाली कर दो, पीछे से खाली कर दो, पीछे से खाली कर दो। चश्मे पहन के बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों ने कोई इस बात की जानकारी होगी कि कल हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने विधिवत रूप से सिद्धू जी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया कांग्रेस पार्टी में। आज हम लोग कांग्रेस मुख्यालय में सिद्धू जी का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धू जी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी पंजाब में और पूरे देश के अंदर और मजबूत होगी, सेकुलर फोर्सेस को और ताकत मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को बल मिलेगा। और सिद्धू जी के आने से, क्योंकि हम सब लोग देखते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इनका एक अपना राजनीतिक, सामाजिक और खेल के जगत में अपना एक विशेष अनुभव है, एक अपना विशेष योगदान है और इनके आने से कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा। हम इनका स्वागत करते हैं। अब आशा कुमारी जी जो हमारी पंजाब की प्रभारी हैं, ये इनका वेलकम करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे और उसके बाद में सिद्धू जी बोलेंगे। आप सबका खैर मकदम, धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। दोस्तों, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। आई हैव जस्ट कम बैक टू माई रूट्स। मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। मेरे पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की। 40 साल कांग्रेस की सेवा की, एमएलए बने, एमएलसी बने। कीर्ति गदर पार्टी में गदरी बनके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। लाहौर में लाल किला अखबार निकालते हुए वो पकड़े गए। He was sentenced to death by the British, ordered to be shot by the firing squad. जेल में 2 महीने तसीहे झेलने के बाद जब 7 दिन रह गए थे, किंग्स एंड द सिटी हुई और उसमें मेरे पिता को 7 पर्चियां डाली थी, छोड़ दिया गया। वापस आके एमएलए, एमएलसी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब बने। मेरी एक घर वापसी है, मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था, यह बड़ा जबरदस्त ज्वलंत। कोई पठान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कह गई भी थी जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी, ठीक नहीं थी। वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सत्ता भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कह गई कौन है और माता कौशल्या कौन है। दूसरी बात, सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। वो मंथरा कौन है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सिद्धू नहीं कहता, राजेश खन्ना कह गए, बहुत पुराने, वो भी कांग्रेसी थे, खटैक। हम सबको
वतन की फिक्र कर ऐ नादान मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों तुम्हारी दास्तान दफ्न होगी दास्तानों में जो समय चिंता में गया कूड़ेदान में गया लेकिन जो समय चिंतन में गया वो पुण्य की तिजोरी में गया ये चिंतन का विषय है यथार्थ के धरातल पे खड़े होके चिंतन का विषय है कि अन्नदाता भिखारी कैसे बना वो पंजाब जो देश का गौरव था देश की पगड़ी थी क्या कोई भगत सिंह उठेगा उसकी रूह से आवाज निकलेगी पगड़ी संभाल जाता पगड़ी संभाल ओए बैरियों ने आज तेरा लूट लिया माल ओए ये स्वाभिमान जगाने सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी क्योंकि स्वाभिमान जब जगता है स्वाभिमान वास्तव में वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके गुणों के भवरे गुंजित रहे हैं इसलिए ये मेरा मकसद है ये मेरा मंसूबा है कि सबके साथ मिलके हम लोग पंजाब को उभारें किससे 188,000 करोड़ का कर्जा अन्नदाता के सर पे क्यों क्योंकि स्टेट के एक्सचेकर को लूट के लुटेरों ने अपने घर भरे अ गवर्नमेंट बाय द पीपल इज नाउ अ गवर्नमेंट फॉर अ फैमिली मैं किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणियां नहीं करता मैं ये मानता हूं कि पार्टियां अच्छी बुरी नहीं होती पार्टियों को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं उनकी सोच अच्छी बुरी होती है अकाली दल भी एक पवित्र जमात था एक जायदाद बन गया है विरोध करना होगा आंदोलन करना होगा कहीं ना कहीं चेतना जगानी होगी तो भाइयों बहनों मैं इस वजह से और मैं पंजाब में लोगों को पंजाबी में बताऊंगा कि ये 2,00,000 करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ा और इसके क्या समाधान हैं एक दूसरे को गालियां निकालने से ये नहीं होगा एक दूसरे पे तानाकशी से ये नहीं होगा मड स्लिंगिंग इज नॉट द सोल्यूशन ये पॉलिसी से होगा ये पॉलिसी से होगा ये नीति से होगा और अच्छी नीयत से होगा देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं बादल साहब छोटे बादल साहब सुखबीर पाजी कमानी ना भैया गाड़ी जोते मेरा सुखबीर भैया तालीम का जोर इतना तहजीब का शोर इतना बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी नीयत में खराबी है